रविवार को राजस्थान भील समाज विकास समिति तहसील शाखा परिसर के द्वारा आयोजित दो दिवसीय भील समाज जिला स्तरीय कबड्डी खेल कूद प्रतियोगिता का समापन दोपहर 3 बजे अनगर बाबूजी नरबंदिया के मंदिर प्रांगण में हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर एवं चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आख्या, अध्यक्षता समाज के जिला अध्यक्ष लालू राम भील, मरणमी विशिष्ट अतिथि भिलवाड़ा जिला प्रमुख श्रीमती बरजी बाई भील के सानिध्य में प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में समाज की कुल 26 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम विजेता टीम शनि महाराज पी तथा उप विजेता औरवाड़िया बी रही। विजेता टीम को 7501 नगद व ट्रॉफी व उप विजेता को 5100 रुपये नगद व ट्रॉफी दी गई। प्रतियोगिता के साथ साथ समाज सुधार के बिंदु और पर चर्चा की, जिसमें बाल विवाह बंद करना, बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना तथा सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं को समाज के लोगों के साथ ही चित्तौड़गढ़ विधायक ने अपने उद्बोधन में समाज को शिक्षा में आगे लाना चाहिए और समाज के लोग पढ़ लिख कर कलेक्टर बने या किसी विभाग में अधिकारी बनकर मिले। साथ ही चित्तौड़ विधायक ने प्रधान द्वारा 2 लाख की राशि घोषणा की गई। यह 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का भी जितना खर्चा हुआ भील समाज का उसके घर चेक किया भुगतान। विधायक की ओर से कपासन विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने बताया कि नर्मदा या गांव में विधायक कोटा से 3 लाख रुपए की घोषणा के साथ ही नर्मदा गांव में सामुदायिक भवन की घोषणा के साथ ही चित्तौड़ सांसद की ओर से 5 लाख रुपए की घोषणा की। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष शोक पारलिया, बांसेन सरपंच आदि लोग उपस्थित थे। समाज को मैं धन्यवाद दूँ। भील समाज वास्तव में यहाँ पूरा जिला स्तरीय टूर्नामेंट करवाया, कबड्डी का टूर्नामेंट करवाया, उसकी वास्तव में बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया, इसलिए मैं भील समाज को शुभकामना देता हूँ और आने वाले दिनों में ये और भव्य टूर्नामेंट हो, कबड्डी नहीं उसके अलावा दूसरे भी टूर्नामेंट भी हो। ये बहुत अच्छी समाज है और ये समाज की एकता के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए, आगे अच्छी पढ़ाई करे उसके लिए भी मैं इनको शुभकामना देता हूँ। जो टीम जीती उनको भी बधाई और जो टीम हार गई वो भी आने वाले दिनों में टीम अच्छी बने और अच्छी जीते, ऐसी मैं बधाई देता हूँ।